अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी स्पेशल मिर्ची के भजिए, जिनको बनाना बेहद आसान होता है और ये झटपट बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मिर्ची के भजिए बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 10 से 15 बड़ी मिर्च। इसको अब हम इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगा लेने के बाद अब हम चम्मच की मदद से इसके बीन्स रिमूव कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे मिर्चों के बीन्स रिमूव कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर ले लूंगी इमली का पल्प जो कि तकरीबन 50 ग्राम है। इसमें हम ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। इसको ऐड करके अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इमली का पेस्ट मिर्चियों में चम्मच की मदद से फिल कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे मिर्चियों में पल्प फिल कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक बोल में 2 कप बेसन। इसमें अब हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन। इसको अब हम यहाँ पर लाइट हैंड से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। हमें इसको इतना ही मिक्स करना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की ना हो जाए। अब हम यहाँ पर हमारी बनाई हुई मिर्चियों को कुछ इस तरह से डिप करके इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर तेल को गर्म कर लिया है और अब हम यहाँ पर मिर्चियों को हाई टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और जैसे ही एक साइड से फ्राई हो जाए इसको हम फ्लिप कर लेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हमारी मिर्ची भजिया फ्राई हो चुके हैं, इनमें गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है और क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब हम इस स्टेज पर इनको कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो हमारे डिलीशियस से हैदराबादी स्पेशल मिर्ची के भजिए बनके तैयार है। आप इन्हें अपने पसंदीदा सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।